हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि अभी जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। ये तो बात सच है कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है, बट रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। एग्जाम रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, कैप्चर डालना है, रिजल्ट आपका शो हो जाना चाहिए था। जब मैंने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखा तो मतलब आप एक बच्चे का रिजल्ट शो नहीं कर रहा। अब बच्चे कह रहे कि सर आप झूठ की बोले, रिजल्ट नहीं आया। ऐसा नहीं है, रिजल्ट आ चुका है, बट ये कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट आया कहाँ, कैसे पता चले। देखिए मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ, अब एक मिनट, फिर आपको खुद पता चल जाएगा रिजल्ट आया नहीं आया। अब देखिए, ये रिजल्ट डिक्लेयर की लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे आप आइए, ये देखिए, दिखा देता हूँ मैं आपको, जो 2023 के बैच के बच्चे हैं, ये देखिए किस किस कोर्स का रिजल्ट आ चुका है। पहला NAPBA प्रोग्राम CBCS लिखा है ना, ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर आ चुका है। NAP BCOM प्रोग्राम देखिए, वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है। BCOM ऑनर्स देखिए, ये भी डिक्लेयर हो चुका है, आपके सामने दिखा रहा हूँ रिजल्ट। ये सारे रिजल्ट देखिए, ये सारे रिजल्ट आपके निकाले जा चुके हैं। देखिए सारे रिजल्ट आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर के, देखिए दिख रहा है आपको। मतलब कोई वीडियो हम बनाते ऐसे नहीं बनाते जो आपको लग रहा है कि हम झूठ बोले, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट देखिए आ चुके हैं। सब BA प्रोग्राम, BCOM प्रोग्राम, BCOM ऑनर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, रिजल्ट जो है वेबसाइट के रिजल्ट डिक्लेयर लिस्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि इस वेबसाइट पे सर्विस डाउन की वजह से, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिजल्ट आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, बट रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है उनकी तरफ से, बट आपको शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, सेम लिंक पर जाके आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दे रहा हूँ। 1 से 2 घंटे बाद दोबारा ट्राई कर लेना या कल ट्राई कर लेना, रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वेबसाइट पर मैंने आपको दिखा दिया, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है SOL का, ठीक है। तो सेम डिटेल आपको डालनी है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको स्कूल ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। और प्रॉब्लम है, मैंने देख लिया है कि रिजल्ट तो आया है, क्योंकि देखिए रिजल्ट की डिक्लेयर लिस्ट आ चुकी है, बट शो नहीं कर रहा है। अब ये 1 से 2 घंटे में जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय को लगेगा, पता चल जाएगा, वो ऑटोमेटिक ठीक कर देंगे। या तो सारी लिस्ट हटा लेंगे या तो सारा रिजल्ट आपको शो होने लगेगा। 1 घंटे बाद दोबारा ट्राई कर लेना, आपको शो होने लगेगा, वरना मैं ही आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डिटेल अपनी ठीक डालना, बस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे स्कूल ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है। इस चीज़ को मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसी चीज़ को मिस करते हैं, ठीक है। बट छोटी सी वीडियो थी और ज़्यादा मैं किसको कुछ इसमें बोलूँगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली रिजल्ट आ चुका, उसके बावजूद भी शो नहीं कर रहा है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब ये क्यों हुआ है, हो सकता है एक साथ रिजल्ट निकालेगा जिसकी वजह से इनका जो सर्वर है वो डाउन हो गया है, ठीक है। वेट कर लीजिए, कोई नहीं, रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। थैंक यू।